है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी सूची जारी कर दी है। 21 अक्टूबर को दूसरी सूची जारी की थी, उसके बाद अब 12 दिन बाद तीसरी सूची भाजपा की आई है। इसमें जो टिकट मिले हैं उन पर नजर डाल दें। सबसे पहले करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट मिला है। कांग्रेस से कल ही भाजपा में वो शामिल हुए थे और उन्हें करौली से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। महुआ से राजेंद्र मीणा को टिकट दिया है। सिकराय से विक्रम बंशीवाल, ममता भूपेश के सामने विक्रम बंशीवाल को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। दौसा से शंकर लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गंगापुर से मानसिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। निवाई से राम सहाय वर्मा, टोंक से अजीत सिंह मेहता, पिछली बार सचिन पायलट के सामने इन्हें टिकट दिया था लेकिन इनका टिकट काटकर यूनिस खान को टिकट दिया था बाद में, और पहले विधायक रह चुके हैं। लाडनू से करणी सिंह, डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा, 58 प्रत्याशियों की ये सूची है। और सबसे अहम बात, जयपुर की एक भी सीट पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा है। सरदारपुरा सीट से महेंद्र सिंह राठौड़ को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। आज ही राजस्थान पत्रिका ने इसका जो है अंदेशा जताया था कि भाजपा सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतार सकती है, और डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम इसमें नज़र आ रहा है। जोधपुर से अतुल भंसाली, लूनी से जोगाराम पटेल, जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, जोगाराम पटेल हैं, और गुड़ामलानी से के विश्नोई हैं, भीनमाल से पूरा राम चौधरी हैं, ये विधायक हैं, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल है, और वल्लभनगर से उदयलाल डांगी जो कल ही भाजपा में शामिल हुए थे, पहले आरएलपी में चले गए थे और उसके बाद अब भाजपा का दामन उन्होंने थामा और दूसरे दिन ही टिकट मिल गया। बांसवाड़ा से धन सिंह रावत को मैदान में उतारा है, ये पहले विधायक रह चुके हैं। कपासन से अर्जुन लाल जीनगर को मैदान में उतारा है। बेंगू से राजेंद्र विधुड़ी के सामने डॉक्टर सुरेश धाकड़ को प्रत्याशी बनाया है। भीम से हरि सिंह चौहान, चाहपुरा से लालाराम बैरवा, हिंडोली से कैलाश मेघवाल की जगह, शाहपुरा से आप ये देखिए सबसे अहम बात, भाजपा के दिग्गज नेता रहे कैलाश मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयानबाजी की जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसी सीट पर लालाराम बैरवा को उम्मीदवार बनाया है। हिंडोली से प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं भाजपा सरकार में, उन्हें मैदान में उतारा है। केशवराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल विधायक है। लाडपुरा से कल्पना देवी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें यहाँ पर भाजपा के लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत टिकट मांग रहे थे लेकिन, और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। लाडपुरा से कल्पना देवी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा की तीसरी सूची जारी हो गई है। जयपुर का एक भी नाम नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इस सूची में जयपुर की एक भी सीट नहीं है। जिले में 7 सीट और यहां पर 7 सीटों पर उम्मीदवार आना बाकी है लेकिन भाजपा की तीसरी सूची में जयपुर से नहीं है। शादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, ये पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल, कोलायत से पूनम कंवर भाटी, शादुलपुर से सुमित्रा पूनिया को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। पिलानी से राजेश धैया, खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर, सीकर से रतन जलधारी को मैदान में उतारा है राजेंद्र पारी के सामने। सबसे अहम जयपुर से आई है सीट, हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य को मैदान में उतारा है। कयास लगाए जा रहे थे कि बाल मुकुंदाचार्य पर भाजपा मोहर लगा सकती है और हवा महल से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य को भाजपा ने टिकट दिया है। खंडेला से सुभाष मील को दिया है, कल ही भाजपा में शामिल हुए थे। खंडेला में महादेव सिंह खंडेला को टिकट देने का ये विरोध कर रहे थे और भाजपा में शामिल हुए, दूसरे दिन उन्हें टिकट का इनाम भी मिल गया।
सीकर से राजेंद्र पारी के सामने रतन जलधारी को मैदान में उतारा है। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। विराटनगर से कुलदीप धनखड़ को मैदान में उतारा है। जमवारामगढ़ से महेंद्र पाल मीणा को मैदान में उतारा है। ये नया चेहरा है महेंद्र पाल मीणा। पिछली बार जमवारामगढ़ से जगदीश मीणा को मैदान में उतारा था और कुलदीप धनखड़ विराटनगर से पिछली बार बागी थे लेकिन इस बार टिकट पाने में सफल रहे हैं। हवा महल सबसे अहम जो कि बाल मुकुंद आचार्य को यहाँ पर मैदान में उतारा है। किशनगढ़बाज से रामहेत सिंह यादव, बहरोड से जसवंत सिंह यादव को टिकट दिया है। इनके टिकट का भी विरोध हो रहा था लेकिन वसुंधरा समर्थक हैं, इन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा। रामगढ़ से जय आहूजा को मैदान में उतारा है। रामदेव आहूजा का टिकट काटा है लेकिन जय आहूजा उनके परिवार के सदस्य हैं या नहीं ये देखना बाकी है। लेकिन रामगढ़ से जय आहूजा को भाजपा ने मैदान में उतारा है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बन्नाराम मीणा, कठुमर से रमेश खींची, कामा से नौक्षम चौधरी, ये नया नाम सामने आ रहा है। नदबई से जगत सिंह को मैदान में उतारा है। जिला प्रमुख है भाजपा के, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, अब इन्हें टिकट दिया गया है नदबई से। अब ये जोगिंदर अवाना के सामने मैदान में उतरेंगे। बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल, बसेड़ी से सुखराम कोली को मैदान में उतारा है। तो ये 58 नामों की लिस्ट है भाजपा की। राहुल जी, जिस तरह से अब पहली सूची में प्रयोग भाजपा ने किया था, 6-7 सांसद थे मैदान में, चुनावी मैदान में उतारे थे, उसके बाद में जिस तरह से सांसदों का विरोध हुआ और उसके बाद दूसरी और तीसरी सूची से सांसद जो है वो गायब से ही नज़र आ रहे हैं, क्या पार्टी बैकफुट पर आई है? निश्चित तौर पर पार्टी सांसद जिनको टिकट दिया गया था, चाहे बालकनाथ हो, चाहे जालौन के देवजी पटेल हो, या दूसरे नेताओं किशनगढ़ से बागेश्वर चौधरी को, जो अजमेर से सांसद, उनको टिकट दिया गया था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो साफ दिखी हुई है कि पार्टी की जो पहले रणनीति थी, जो जिस तरह से उतावा था, उसके बाद विरोध चरम पर पहुंच गया था। हमने देखा राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया गया, जोटवाड़ा में दिया कुमारी को, विद्याधनगर में दिया गया। ये तो पार्टी एक बार सीधे सीधे बैकफुट पर आ गई। उन्होंने जो पहले चुनाव लड़े विधानसभा प्रत्याशी वे उन पर दाव खेला है और उन्हीं को मौका दिया है जी। और जिस तरह से कुछ नए चेहरों पर भी बात करें तो कितने नए चेहरे इसमें आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, नए चेहरों की बात करें तो जो ये जो कामा से एक कैंडिडेट हमने देखा कि सुशीन नौक्षम चौधरी, वो बिल्कुल नया चेहरा दिख रहा है जो सूची आई है उसमें। और बाल मुकुंद आचार्य जो जयपुर के हवा महल सीट से कैंडिडेट हैं, उनको टिकट दिया गया है। और पुराने चेहरों में हमने देखा जोगाराम पटेल, छोटू सिंह भाटी, के विष्णु, पूर्वराम चौधरी, ये सब पुराने ही नाम दिख रहे हैं। अर्जुनलाल जीनगत, सुरेश धाकड़, रवि सिंह चौहान, लालाराम बैवा, ये एक नया चेहरा है लालाराम बैवा शाहपुरा से भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा चंद्रकांता मेघवाल, कल्पना देवी, ये पुराने ही चेहरे हैं। दर्शन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से मैं शामिल हुए हैं कल, उनको मौका दिया है। महुआ से राजेंद्र मीणा पहले चुनाव लड़ चुके हैं। दौसा से शंकरलाल शर्मा पहले विधायक रह चुके हैं। गंगापुर से मान सिंह गुर्जर पहले विधायक रह चुके हैं। और निवाई से इकवाम साहेब वर्मा, ये नया चेहरा है। टोंक से अजीत मेहता, वो पुराना है। बाकी तो एक एक जो इसमें चीज़ हम बताना ध्यान में, एक डीडवाना, आप देखिए डीडवाना में जो यूनुस खान का टिकट कट गया, टिकट कट गया। और जितेंद्र सिंह जोधा जो नए कैंडिडेट हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और वसुंधरा राजे के जो खास माने जाते थे, उनको पार्टी ने, शायद पार्टी जैसे पिछली बार तय किया था कि एकमात्र यूनुस खान को टिकट दिया गया था, वो भी सचिन पायलट के सामने, इस बार पार्टी ने बिल्कुल इससे किनारा कर लिया है जी। अजय सिंह किलक पहले रह चुके हैं, केशव राम चौधरी रह चुके हैं, पब्बा राम बिश्नोई, गजन सिंह खीवसा, बैवा राम चौधरी, कमसा मेघवाल, ये लगभग पुराने से ही नाम है, पुराने नाम है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या अभी विधायक हैं जी। और जिस तरह से कुछ नाम इसमें वो भी नजर आ रहे हैं जो हारे हुए हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे उसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए,
जो कैंडिडेट हार गए थे पिछली बार, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो थे ही, और उसकी आवाज़ भी वो लगातार उठा रहे थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ करें या दूसरे मूवमेंट करें। तो पार्टी की शायद रणनीति यही रहेगी, जो पिछले 5 साल जिन्होंने पार्टी का काम किया, जो चुनाव लड़े और जो अपने क्षेत्र में सक्रिय भी थे, तो क्यों ना पार्टी उन्हें मौका दे बजाय नए चेहरों को वहाँ से लाने के। तो ये पार्टी का मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक है कि जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं उन पर पार्टी जो लगातार सक्रिय थे उनको मौका दिया गया, कोई बाहर से ज़्यादा बड़ा कोई नाम ला के नहीं थोपा गया है जी। और जिस तरह से जो भाजपा ये कहती है अनुशासित पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, ज़मीनी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी है, जो आम कार्यकर्ता को बड़ा जिम्मा सौंपने वाली पार्टी है, इसमें कुछ नाम ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ते आए हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते आए हैं, लेकिन एक या दो दिन पहले भाजपा में शामिल हुए और वो इस सूची में स्थान भी उनको मिल गया। आज जिनको टिकट मिला, जैसे दर्शन सिंह गुर्जर उनको कैंडिडेट बना दिया गया कवोली से, पहले कवोली से विधायक रह चुके हैं वो। सुभाष मील दूसरा नाम है। बड़ी बड़ी बात यह है कि दर्शन सिंह गुर्जर और सुभाष मील, जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने को चुनाव लड़ाया था, पहले विधायक भी रह चुके हैं दर्शन सिंह गुर्जर। तो सुभाष मील कांग्रेस के कैंडिडेट थे खंडेला से, लेकिन उनको चुनाव टिकट मिला लेकिन वो हार गए, और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे महादेव सिंह खंडेला उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने महादेव सिंह खंडेला को उम्मीदवार बना लिया और जो सुभाष मील ने उसको उनको टिकट नहीं दिया, तो सुभाष मील ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और एकदम से टिकट भी लिया है। तो ये तो बड़ी विचारधारा की तो बात लगभग ख़त्म सी हो गई। अब जो उम्मीदवार जो पार्टी है वो जीता हुआ चेहरा दिख रहा है, अगर उनको लगता है कि ये जीत सकता है, चाहे भले कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, बसपा का हो, किसी का भी हो, तो उनको टिकट दे दिया गया है। कुल मिला के सारी जो चीज़ें हैं वो सामने दिख रही है। जंक्शन से पिछली बार भाजपा से बागी हुए थे खुशवीर सिंह, उनको और निर्दलीय वो चुनाव जीते थे, कांग्रेस से बागी थे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस बार मारवाड़ जंक्शन में भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है वो क्या नया चेहरा है या फिर पहले से ही चुनाव लड़ चुके हैं? ये मारवाड़ जंक्शन में जो कैंडिडेट बता रहे हैं आप, केसाराम चौधरी ये पहले रह चुके हैं, वे विधायक भी रह चुके हैं पहले, और पिछली बार तो जो बागी उम्मीदवार बने थे खुशवीर सिंह जोजावा, जो पहले विधायक रह चुके कांग्रेस पार्टी के, उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो वापस उन्होंने बागी लड़ा, वापस MLA बन के वापस से वो कांग्रेस का टिकट लिया, लेकिन केसाराम चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से जी। और इसमें लगभग सूची में पुराने नाम हैं राहुल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की भी सूची है, विधायकों को ही रिपीट कर दिया गया है, और यहाँ पर भी जो विधायक प्रत्याशी हैं जो पिछले बार विधायक रह चुके हैं उन्हें ही मैदान में उतारा है, क्या जनता ये सब तय करेगी कि ये पुराने ही चेहरे, बस सूची नहीं चेहरे पुराने चेहरे? भाई मुझे जो लगता है जिस तरह के टिकट दिए गए अभी 30वीं सूची में, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने थोड़ा सा सोच बदला है, उन्होंने देखा है कि नए चेहरे या ऊपर से पैराशूटी जो कैंडिडेट हैं उनको लाने की बजाय जो पिछली बार चुनाव लड़े चाहे हावे चाहे जीते उनको पार्टी मौका दे, ताकि पिछले 5 साल में वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मूवमेंट भी उन्होंने किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए होंगे, संगठन में भी उनकी भागीदारी वही होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने दिखी होंगी, और पूरा फीडबैक लिया गया तरीके से, होमवर्क किया गया अच्छे से, तो फिर यही सोचा गया कि क्यों ना पिछली बार जो हावे कैंडिडेट उन पर दाव खेलें ताकि इस बार वो चुनाव जीत सकें, बाकी जो विधायक हैं जो वर्तमान के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको वापस से पार्टी मौका दे, ऐसे कुछ नए चेहरे भी हैं पार्टी के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि जो बागी उम्मीदवार जो उनको लगा जो पिछली बार भावी बड़ी संख्या में जो ज़्यादा वोट लेके आए थे पार्टी ने, उनको इस बार अपना कैंडिडेट भी चयन किया है, जैसे हम कुलदीप धनखड़ जो पिछली बार बागी थे कभी 30-40 हज़ार वोट उन्होंने लिए थे, तो पार्टी ने इस बार उन्हें ही मौका दिया है,
उनके जो वोट पिछली बार लाए थे उसका उनको फ़ायदा मिला। पिछली बार जब बगावत की थी तो उस बगावत का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे इंद्रवाज गुर्जर उसको मिला था और वो चुनाव जीत गए थे, क्योंकि दो जाट लड़ लिए थे एक गुर्जर, तो उनके वोट बढ़ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत चेहरों की तलाश में जो आज लिस्ट आई है